हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक्सेलरेटर सीरीज़ में। बच्चों, एक नया कॉन्सेप्ट हम आपके सामने आपके लिए लेकर आए हैं। देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे हम लोग इस तरीके के कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम्स को बनाएंगे। बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, कॉन्सेप्ट हमारे पास में कुछ ऐसा है। देखिए, हम लोगों को सिचुएशन ना दो सिचुएशन दी गई है आपके सामने है। एस्केलेटर की कंडीशन है, एक बार मैन एस्केलेटर के ऊपर खुद ब खुद मूव करके जाता है। मान लीजिए कि आप लोगों ने देखा होगा एयरपोर्ट पर या कहीं भी स्वचालित सीढ़ियाँ होती हैं जिन्हें हम लोग एस्केलेटर बोलते हैं। ठीक है, एक बार की कंडीशन में हमें इमेजिन ये करना है क्वेश्चन की लैंग्वेज के मुताबिक कि भाई एस्केलेटर जो है ना रुका हुआ है, वो जो सीढ़ियाँ होती हैं वो रुकी हुई हैं, मैन खुद ब खुद चढ़कर जाता है, अपने आप चलकर एस्केलेटर के ऊपर जाता है। ठीक है, समझ आ रही बात? सीढ़ियाँ रुकी हुई हैं, मैन चल के जाता है। तो देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा। भाई पहली कंडीशन हमारे पास में ये है, मैं साथ साथ आपको प्रॉब्लम भी बताऊंगा क्या है। ठीक है, मैंने माना एस्केलेटर की जो लंबाई है वो एल है, ठीक, और मैन की जो स्पीड है वो है V1। अगर एस्केलेटर रुका हुआ है और मैन उसके ऊपर कुछ इस तरीके से जाता है, बच्चों जाता है, तो टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतना टाइम हम लोगों को लगने वाला है। बच्चों, T1 इज इक्वल टू L अपॉन V1। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ आई होगी। ये कंडीशन हमारे पास में रहेगी, T1 इज इक्वल टू L अपॉन V1, इतना टाइम लगेगा यदि मैन उसके ऊपर चलकर जाता है। अच्छा, अब सेकंड सिचुएशन देखते हैं क्या है। सेकंड सिचुएशन ये है कि भाई हम लोग गए आराम से एस्केलेटर पर जाकर खड़े हो गए, वो सीढ़ियाँ अपने आप ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जा रही, हम नहीं चल रहे हैं। इस बार फर्स्ट केस में सीढ़ियाँ रुकी हुई थी, मान लो कि सीढ़ियाँ ख़राब है, हम लोग खुद ब खुद उसके ऊपर चढ़कर चले गए, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड की पहली कंडीशन मैंने बना दी। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, ज़रा समझिए ध्यान से। दूसरी कंडीशन मेरे पास में ये है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझेंगे। सेकंड कंडीशन ये है कि इस बार सीढ़ियाँ चल रही हैं, मैन आराम से रेस्ट में जाकर खड़ा हो जाता है। भाई मैंने माना इस कंडीशन में उसे टाइम लगता है T2। अब तुम एक बात बताओ, अगर मैन सीढ़ियों पर जाकर आराम से रेस्ट में खड़ा हो गया तब भी तो वो ऊपर ही जाएगा, अगर वो खुद चलकर जाएगा तब भी वो ऊपर ही जाएगा, और सीढ़ियाँ अगर उसे लेकर जाएंगी तब भी वो ऊपर ही जाएगा, यानी लेंथ दोनों केस में इतनी ही रहनी है बच्चों। ठीक है, और मैंने माना कि एस्केलेटर की जो स्पीड है वो है V2, यानी अगर मैन खुद जाएगा तो इतना टाइम लगने वाला है, और अगर उसे सीढ़ियाँ लेकर जाएंगी तो इतना टाइम लगने वाला है, क्योंकि एस्केलेटर के ऊपर जाने की जो स्पीड है वो इतनी है बच्चों, और मैन की जो स्पीड है वो इतनी है। अब कमाल की बात देखिए क्या है, प्रॉब्लम हम लोगों से क्या पूछी गई, प्रॉब्लम ये पूछी गई कि ये कहा कि भाई वो जो मैन है वो थोड़ा जल्दी में है, ठीक है, जल्दी ऊपर पहुंचना चाहता है, थोड़ा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर थोड़ा जल्दी पहुंचना चाहता है, तो एस्केलेटर भी उसे ऊपर लेकर जा रहा है और मैन खुद भी ऊपर जा रहा है। यानी जैसे कौन सी कंडीशन हो गई, कंडीशन ये हो गई कि भाई मूविंग बॉडी के ऊपर एक मैन भी चल रहा है, यानी यहाँ आदमी को थोड़ी सी जल्दी है, वो जल्दी पहुँचना चाहता है, तो सीढ़ियाँ तो उसे ऊपर ले जा ही रही हैं, मैन खुद भी ऊपर जा रहा है वहीं के वहीं थोड़ा जल्दी में चल के, जैसा हम जर्नली करते हैं। तो हमने माना कि भाई इस कंडीशन में जो टाइम लगेगा वो होगा टी इज इक्वल टू, अरे यार लंबाई तो अभी भी इतनी ही रहनी है, जाना तो ऊपर ही है, अगर खाली मैन अपनी स्पीड से जा रहा है तब भी वो ऊपर जाएगा, एस्केलेटर लेकर जा रहा है तब भी वो ऊपर जाएगा, दोनों एफर्ट लगा रहे हैं, मैन भी चल रहा है एस्केलेटर भी उसे ऊपर लेकर जा रहा है, यानी इस बार आप आराम से एस्केलेटर पर जाकर खड़े नहीं हुए बच्चों, आपने चलना स्टार्ट कर दिया उसके ऊपर, तो उस कंडीशन में एस्केलेटर की स्पीड और मैन की स्पीड ऐड हो जाएगी बच्चों, बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी इस कंडीशन में जो टाइम लगेगा वो ये लगेगा टी इज इक्वल टू एल अपॉन V1 प्लस V2। बस ये समझिए कि मुझे यही टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि भाई ये टी मेरे पास में कितना होने वाला है। ठीक है, आइए और देखते हैं कि भाई हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉब्लम बनेगी कैसे। देखो, मैं यहीं के यहीं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैंने रेसिप्रोकल किया तो ये बना 1 अपॉन टी इज इक्वल टू V1 अपॉन L
प्लस वी टू अपॉन एल, उल्टा कर दिया हम लोगों ने, रेसिप्रोकल कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है। अब आप देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने इसे लिखा भैया, थोड़ा ध्यान से देखिए, वन अपॉन, ठीक है, देखो ये वी वन यहाँ से एल के अपॉन में पहुँच जाएगा, तो ये बनेगा एल अपॉन वी वन, और एल अपॉन वी वन है टी वन की वैल्यू, तो ये बना वन अपॉन टी वन प्लस वन अपॉन टी टू, यानी ये जो टी टाइम है बच्चों, ये वो टाइम है जब मैन भी एफर्ट लगा रहा है और एस्केलेटर भी उस बॉडी को ऊपर लेकर जा रहा है, और ये टाइम कब है, जब सिर्फ और सिर्फ मैन ऊपर जा रहा है, ये टाइम कब है, जब उसे एस्केलेटर ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है बच्चों। अब हमारे पास में तो वैल्यूज दोनों हैं, बड़े आराम से हम लोग प्रॉब्लम को बनाएंगे। वन अपॉन एक बार लगता है 60 सेकंड का टाइम और एक बार लगता है 40 सेकंड का टाइम। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व, आंसर आप लोगों को ही देखना है, कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग जरूर मेंशन करें कि यहाँ से सॉल्व करके टाइम की कौन सी वैल्यू इन चारों में से बच्चों आप लोगों की निकल कर आती है। उम्मीद करता हूँ कि प्रॉब्लम समझ आई होगी। ओके चलिए मिलेंगे बच्चों एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों से।